Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Lifestyle with Urooj में आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम है और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। आज की जो रेसिपी है वो है मज़ेदार दम गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी बनाएं, चले आएं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने जो जो स्पाइसेस लिए हैं वो कुछ यूं हैं: नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, पिसी काली मिर्च, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च। ये चटपटा और मज़ेदार बनता है। आप स्पाइसेस का लेवल अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें, मेरे पास तेज वाली हरी मिर्चें थी, कच्चे पपीते का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसलिए मैंने बीफ का मिक्स गोश्त लिया है। आप चाहें तो आप मटन या बोनलेस भी ले सकते हैं। दही, दूसरी तरफ मैंने पिसा खोपरा लेकर इसे बहुत ही स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था, इसे हल्का ब्राउन कर लिया और ये जलने ना पाए। दूसरी तरफ मैंने फ्राइड अनियन भी ले ली थी। अब आती है गोश्त को मैरिनेट करने की बारी। मैंने वही देगची ली है जिसमें मुझे कुक करना है और वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। इसी ऑयल में मैंने गोश्त डाला, सारे स्पाइसेस शामिल किए, दही शामिल किया और साथ में कुछ खड़े गरम मसाले भी शामिल किए जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची भी शामिल की। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और दूसरी तरफ मैंने नारियल जो रोस्ट किया था और जो प्याज मैंने फ्राई की थी और हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंडर में डालकर इनका पेस्ट बना लिया और ये पेस्ट भी मैंने मैरिनेशन में शामिल कर दिया। इन सब चीज़ों को गोश्त में बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और कवर करके एटलीस्ट 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। 2 घंटे मैरिनेशन के बाद मैंने इसको स्टोव पर रखकर 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छे तरह फ्राई किया। जब तेल ऊपर आने लगा तो मैंने इसमें 2 गिलास लुक वार्म पानी डाल दिया और इसको दम वाली आंच पर कवर करके 1 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख दिया। 1 घंटे बाद गोश्त भी अच्छी तरह कुक हो गया था और मसाला भी अच्छी तरह बनकर रेडी हो गया था। आप चाहें तो आप इसमें चारकोल स्मोक भी दे सकते हैं। मैंने इसमें चारकोल स्मोक नहीं दी है। अब डिश आउट करते वक्त और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया भी शामिल कर दिया, बारीक कटा अदरक डालें और गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।